नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट और आज हम आपके लिए एक लघु कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है अमूल्य उपहार और इसके रचयिता हैं तेखन सिंह वर्मा। आज विद्यालय में प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्ति पर विधाई समारोह का आयोजन किया गया है। विद्यालय परिवार के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित हैं। सभा मंच में भाषणों का दौर खत्म होते ही सभी लोग उपहार भेंट कर विदाई देने लगे। इसी बीच एक वृद्ध महिला हाथ में एक चित्र लिए लाठी टेकती हुई मंच में पहुंचकर कहने लगी, बेटा जुग जुग जियो, आपके ज्ञान दान से गांव में कई युवा सफल व सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरा भी एकमात्र पुत्र आपके शिक्षा से योग्य बनकर सेना में भर्ती हुआ और मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, जिस पर मुझे गर्व है। स्मृति शेष यह चित्र उपहार स्वरूप स्वीकार करो, कहती हुई गला भर आया और प्रधानाचार्य जी के आंखों में आंसू झलक पड़े। ढेर सारे उपहार सम्मान वे विदा लेकर प्रधानाचार्य जी घर पहुंचे। परिवार जन उस उत्सुकता से एक एक उपहार को देख रहे थे जिन पर मूल्य अंकित था, किंतु प्रधानाचार्य जी की निगाह उस अमूल्य उपहार को गंभीर भाव से एक तक निहारने लगी।